Hey guys, welcome back to the channel. I'm Florence George. You are watching iTunes Mobiles. और आज हम रिव्यू करने वाले हैं NVIDIA का लेटेस्ट RTX GPU, the NVIDIA RTX 4070 Super, GeForce RTX 4070 Super. फाउंडर एडिशन GPU ये ना। सबसे पहले चेकआउट करते हैं प्राइसिंग को। तो यहाँ पे जो RTX 4070 सुपर है उसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है 60,000 रुपीज के साथ में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में जो आपको फाउंडर एडिशन GPU मिलता है इसका प्राइसिंग है 63,000 रुपीज का। सबसे पहले करते हैं कंपैरिजन ऑफ द RTX 4070 सुपर अगेंस्ट इट्स राइवल्स। नाउ स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर करें तो 4070 सुपर में आपको वही सिमिलर AD104 सिलिकन मिलता है जो कि आपको दूसरे 4070 वाले वेरियंट्स के अंदर मिलता है, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 22% CUDA कोर्स मिल जाते हैं। देन यहां पर 48 मेगाबाइट्स की L2 कैश अवेलेबल है एंड कंपैरिजन वाइज यहां पर टेंसर कोर्स एंड RT कोर्स की भी क्वांटिटी यहां पे इंक्रीज्ड है। देन 192 बिट मोटी मेमोरी बस लेन है जो कि 12GB की DDR6X टाइप की 21 GB/s मेमोरी यूज करता है, जिसका टोटल बैंडविड्थ है 504 GB/s एंड लास्टली पावर कंजम्पशन में ये 225 वाट तक का पावर कंज्यूम कर लेता है। एज यू कैन सी यहां पे इट कैन रीच इजिली अराउंड 221-222 के आसपास का स्कोर। ऊपर से देखने पे क्लियरली समझ में आता है कि ये जो कार्ड है वो स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से 4070 Ti के काफी पास में है एंड 4070 Vanilla से काफी बेटर है। चलिए अब हमारे टेस्ट बेंच को एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जो टेस्ट बेंच को यूज किया है उसमें वी हैव यूज्ड 7200 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड की स्पीड वाली 48GB की किंगस्टन रेनेगेड फ्यूरी रैम, इंटेल का फ्लैगशिप i9-14900K24 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स वाला CPU जो कि कूल्ड है बाय दिस वोर्टेक्स 360 ARGB वाला AIO बाय एंटेक। फिर 2TB की किंगस्टन रेनेगेड सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ऑल रनिंग ऑन द फ्लैगशिप ASUS ROG Maximus Z790 Hero गेमिंग मदरबोर्ड। तो सारा का सारा सामान हमारे पास में है, एकदम फ्लैगशिप सामान हमने यूज किया हुआ है। जस्ट टू हैव अ लुक एट द प्रॉपर बेंचमार्किंग नंबर्स ऑफ दिस RTX 4070 सुपर बिगिनिंग विद द सिंथेटिक बेंचमार्क्स। तो टाइम स्पाई एंड 3D मार्क में आप देखेंगे कि जो 4070 में आपको स्कोर्स आते हैं उसके कंपैरिजन में जो 4070 सुपर के स्कोर्स हैं वो काफी बेटर हैं। पर ये सारे सिंथेटिक बेंचमार्क्स आपको तब इंप्रेसिव लगते हैं जब आपको मालूम पड़ता है कि जो दोनों ग्राफिक कार्ड्स हैं यानी कि 4070 वैनिला एंड 4070 सुपर, इनकी प्राइसिंग का जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ लगभग 5000 रुपए का ही है। जहां 4070 वैनिला वुड कॉस्ट यू इन द रेंज ऑफ अराउंड 55,000 रुपीज, वहीं पर जो आपका 4070 सुपर है दैट विल रफली कॉस्ट यू इन द रेंज ऑफ अराउंड 60,000 रुपीज। हालांकि एक छोटी सी बात यहां पर डेफिनेटली आएगी कि जहां पे ये GPUs इंप्रेसिव नहीं लगते हैं वो होगा इनका पावर कंजम्पशन का एरिया, यानी कि व्हेन यू आर हैविंग अ लुक एट द पावर कंजम्पशन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे कि ये कंज्यूम कर रहा है अराउंड 220 वाट एंड दिस कैन इवन गो एज हाई एज अराउंड 223 वॉट्स 225 वॉट तक ये पीक आउट कर जाता है। सो बेसिकली व्हेन सीइंग द परफॉर्मेंस तो जो 4070 है वो कंज्यूम करता है अप टू 200 वॉट्स और ये कंज्यूम कर सकता है अप टू 225 वॉट्स। तो जहां पे ये आपको ज्यादा परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए रेडी है वहीं पे ये जो GPU है थोड़ी सी ये एक्स्ट्रा पावर भी कंज्यूम करता है, लेकिन फिर भी जब तक ये प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो का जो रेशियो है वो बना रहता है तब तक कोई दिक्कत नहीं आती है। एज लॉन्ग एज यू गेटिंग गुड नंबर ऑफ परफॉर्मेंस गुड नंबर ऑफ फ्रेम रेट्स आउट ऑफ सम सर्टेन प्राइस पॉइंट कोई दिक्कत नहीं आती है। दैट्स द रीजन व्हाई 4070 सुपर लुक्स टेम्प्टिंग एट लीस्ट ऑन द टर्म्स ऑफ सिंथेटिक बेंचमार्क्स, लेकिन ऑफ कोर्स मोस्टली इसको परचेज किया जाएगा जस्ट टू डू गेमिंग। तो आप चेकआउट कर लेते हैं 4070 सुपर के गेमिंग बेंचमार्क्स को। नाउ हमने यहाँ पे जो टेस्ट रन किए हैं ऑन आर 4070 सुपर यूजिंग दिस इंटेल कोर i9 वाला ग्लोरिफाइड PC, ये हमने रन किए हुए हैं एट 3 डिफरेंट रेजोल्यूशंस। हमने यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है 1080p को यानी फुल HD को, 1440p यानी क्वाड HD को एंड ऑफ कोर्स 2160 यानी कि 4K को। तो हमने आपके लिए तीनों ही वाइटल रेजोल्यूशंस को टेस्ट किया हुआ है और सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे गेम नंबर 1 से। दैट इज गोइंग टू बी एलन वेक 2 जो कि मोस्ट डिमांडिंग टाइटल है एटलीस्ट इन द करेंट डे एंड एज। Here are the results of Alan Wake 2. Now as you can see, Alan Wake 2 में settings ultra पे set हैं, render resolution set to quality है, and of course frame generation is turned on. यहाँ पे full HD में we got a result of 97 FPS, वहीं quad HD में we got a result of 67 FPS, and ultra HD के resolution पे we got a score of 34 FPS. Next up we tried Valorant at the high preset, and यहाँ पे हमने देखे scores at 1080p हमें मिला देखने के लिए 528 FPS का स्कोर, 1440p वी गॉट अ स्कोर ऑफ 524 FPS एंड एट 4K वी गॉट अ स्कोर ऑफ 509 स्ट्रॉन्ग FPS। बेसिकली चाहे 1080p हो चाहे 4K हो यहाँ पे वैलोरेंट के अंदर आपको 500 FPS के ऊपर के ही स्कोर्स देखने को मिलते हैं। अगला गेम जो हमने यहाँ पे ट्राई किया दैट वाज GTA 5, तो यहाँ पे कंप्लीटली मैक्स आउट सेटिंग्स के ऊपर वी गॉट अ स्कोर ऑफ 166 FPS एट 4K रेजोल्यूशन, 186 FPS का एवरेज एट 1440p एंड 187 FPS का एवरेज एट 1080p का रेजोल्यूशन। अगला गेम जो हमने यहाँ पे ट्राई किया वो
था साइबरपंक 2077 एट द रेट रेसिंग ओवरड्राइव मोड। एंड यहाँ पे जो हमें स्कोर देखने को मिले हैं वो मिले हैं 50 FPS का एवरेज एट 4K रेजोल्यूशन, 98 FPS का एवरेज एट 1440p एंड 125 FPS का एवरेज एट 1080p का रेजोल्यूशन। अगला गेम जो हमने यहाँ पे ट्राई किया दैट वाज फॉरजा होराइजन 5 और यहाँ पे गेम वाज सेट टू एक्सट्रीम प्रीसेट। यहाँ पे वी गॉट अ स्कोर ऑफ 99 FPS एट द 4K रेजोल्यूशन, 141 FPS का एवरेज एट 1440p एंड 165 FPS का एवरेज एट 1080p का रेजोल्यूशन। नेक्स्ट गेम जो हमने यहाँ पे ट्राई किया वो था RDR2 एट अगेन मैक्स आउट सेटिंग्स एंड यहाँ वी गॉट अ स्कोर ऑफ 147 FPS एट 1080p, 1440 पिक्सल के ऊपर वी गॉट अ स्कोर ऑफ 117 FPS एंड 73 FPS का एवरेज एट 4K रेजोल्यूशन। अब बात करते हैं थर्मल्स के बारे में ऑफ द RTX 4070 सुपर फाउंडर एडिशन GPU के बारे में। देखिए यहाँ पे तो करेंटली सिस्टम हमारा ओपन है बट वाइल वी वर डूइंग द टेस्ट ऑन ऑफ कोर्स फर्मवर्क एंड गेमिंग तो उस टाइम पे चैसी प्रॉपरली क्लोज थी एंड उस टाइम पे वी नोटिस दैट द स्कोर्स वर वेरी गुड। यानी कि अगर टेम्परेचर्स के बारे में बात करते हैं तो कभी भी ये जो GPU है वो 75 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं देखने के लिए दो फैंस, एक आपको मिलता है ऊपर की तरफ में और एक आपको मिलता है बॉटम की तरफ में एंड टेम्परेचर्स अगेन दे रिमेन क्वाइट अंडर 75 डिग्री सेल्सियस। ऑल्सो ये जो GPU है वो इतना लाउड भी नहीं है, इट्स फेयरली साइलेंट, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैंस हैं हमारे चैसी के अंदर तो हमको GPU के फैंस की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती है। ओके नाउ वी कम टू द फाइनल वर्डिक्ट। देखिए अगर आप एक नया PC प्लान कर रहे हैं बिल्ड करने के लिए या आप अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं तो जहां तक लास्ट ईयर तक 4070 वाज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि यहां 4000 सीरीज में GPUs में आपको DLSS 3.0 का फ्रेम जनरेशन मिल जाता है, DLSS 3.5 का रे रिकंस्ट्रक्शन मिल जाता है, जिस टॉपिक के ऊपर हम पहले से ही एक प्रॉपर वेल इन्फॉर्मड वीडियो बना चुके हैं, यू कैन फाइंड द वीडियो ओवर हियर। बेसिकली लेटेस्ट गेम्स में जो सपोर्ट आपको 4000 सीरीज देती है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, लेकिन यहां पे NVIDIA ने ये जो 4000 सीरीज का सुपर वाला रिफ्रेश निकाला है द कार्ड मेक्स अ लॉट मोर सेंस बिकॉज यहां पे एक तो हमको प्राइसिंग हिसाब से देखा जाए तो काफी बढ़िया प्राइसिंग मिल जाती है, मात्र 5000 रुपए का अंतर है एंड जो परफॉर्मेंस है वो आपको अप्रोक्सीमेटली 15% बेटर मिल जाती है इन कंपैरिजन टू द गेम दैट यू आर प्लेइंग ऑफ कोर्स। बट फिर भी इन अ बिगर पिक्चर जो आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस का रेशियो मिलता है बोथ इन RTX 4070 एंड RTX 4070 सुपर वो काफी सिमिलर ही है इंडिया में, लेकिन द लॉजिक स्टेट्स कि जो इंसान 55,000 रुपीज को स्पेंड करने के लिए रेडी है वो दो बार नहीं सोचेगा बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू अ कार्ड जिसका प्राइस मात्र 5000 रुपए एक्स्ट्रा हो। यानी कि जो 55 देने को रेडी है वो 60 भी देके अपने लिए 4070 सुपर को परचेस कर सकता है। नाउ आई हैव टू अग्री दैट द 4070 के स्कोर्स दैट वी हैव यूज्ड इन दिस वीडियो वर टेकन फ्रॉम अ 13th जन का फ्लैगशिप PC, लेकिन स्टिल द वर्डिक्ट विल रिमेन द सेम दैट 55000 में अगर आप 4070 परचेस कर सकते हैं तो 60000 के अंदर 4070 सुपर मेक्स अ लॉट मोर सेंस। बाकी अगर NVIDIA ने यहां पे आपको 4070 सुपर के अंदर 16GB की दी होती तो फिर बात ही अलग हो जाती। एंड दैट वाज द वीडियो गाइस अबाउट द 4070 सुपर। लेट अस नो अबाउट योर थॉट्स रिगार्डिंग दिस कार्ड एंड वी विल कैच यू ऑल सून इन द नेक्स्ट वीडियो।